हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अपने रीजनिंग की क्लास के अंदर अपन ने एक टॉपिक कर लिया था, दिशा परीक्षा, ठीक है, डायरेक्शन टेस्ट वाला। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपके लिए लेके आऊँ रीजनिंग की क्या दूसरा टॉपिक। दो टॉपिक है अपना, कोडिंग एंड डिकोडिंग, कूट लेखन एंड कूट वाचन। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आप मान के चलो कि प्रत्येक एग्जाम के अंदर इस टॉपिक में से 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक एग्जाम में आप कोई सा भी एग्जाम ले लो, आप राजस्थान पुलिस ले लो, पटवारी ले लो, रेलवे ले लो, एसएससी ले लो, 101% इसमें से आपको क्वेश्चन मिलता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अपन समझते हैं इसके बारे में। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अपन कोई भी जो टॉपिक करेंगे उसमें अपन सबसे पहले देखेंगे उसके लिए कि उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। ठीक है, ताकि वो टॉपिक अपने समझने में आसानी हो, और उसके बाद उसमें वन बाय वन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो है मैं आपको पहले उसकी सारी की सारी बेसिक टाइप समझाऊंगा उदाहरण के साथ। ठीक है, कैसे कैसे करनी। तो पहले सब समझिए कि कोडिंग और डिकोडिंग का मतलब क्या है, यानी कि कूट लेखन और कूट वाचन का मतलब क्या है। देखिए दोस्तों, कोडिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर अक्षर दिया हुआ है, कोई भी अक्षर दिया हुआ है, उसको संकेत के भाषा में लिखना। किसकी भाषा में लिखना? संकेत की भाषा में लिखना। इसका तो मतलब होता है कोडिंग, संकेत ही नहीं, उसको छुपाना, संकेत की भाषा में लिखना, यानी कि उसको ऐसी गुप्त भाषा में लिखना जो इजीली किसी को समझ में आए। और डिकोडिंग का मतलब होता है कि जो संकेत के रूप में लिखी हुई है उसको वापस किसमें लिखना दोस्तों? अपनी सरल भाषा में, वापस किसमें बनाना? सरल भाषा। ठीक है, ये चीज जो है अपने इतनी ज्यादा यहां पर उपयोगी नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कोडिंग का मतलब क्या, डिकोडिंग का मतलब क्या, टॉपिक पढ़ने से पहले। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद में मैं आपको सबसे पहले यहां पर ये टॉपिक पढ़ने से पहले, ये टॉपिक करने से पहले आपको जो अपनी अल्फाबेट है यानी कि जो ए बी सी डी, जो अल्फाबेट के 26 लेटर है, वो सारे के सारे लेटर आपको याद होने चाहिए कि कौन सा जो लेटर है कितने नंबर पे आएगा, कौन सा लेटर कितने नंबर पे आएगा, कैसे। जैसे ए कितने पे आ रहा है? एक पे, बी कितने पे? दो पे, सी कितने पे? तीन पे, डी कितने पे? चार। ठीक है, क्योंकि वहां पर बार बार आपको एबीसीडी लिख के और आपको बनाना नहीं है बार बार कि बना के देख लिया, ठीक है साहब कितने बार बार आई, तो बोले सर आई बना के देख ली कि नौ पे आ रहा है या गिन के देख ली, नहीं ऐसे नहीं करना है, ये अपने को सीधा याद होना चाहिए। ठीक है, तो सीधा आपको कैसे याद रहेगा वो मैं आपको बताता हूं एक बार कि सीधा अपने को कैसे याद रखना है। तो देखते जाइए, ध्यान से देखते जाइए दोस्तों, अभी यही का यही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और यही ही याद करना है, जैसे जैसे आप वीडियो को देखते जाओगे आगे की चीजें आपको लर्न होती जानी चाहिए, यानी कि आपको दोबारा से बार बार एक ही चीज को बार बार देखते हो, अपने पास चीजें बहुत सारी और टाइम अपने पास बहुत ही कम है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आपके लिए टॉपिक, मैं स्पेशली आपको बता दूं कि जो मैं लेके आया हूं थोड़ा लंबा टॉपिक चलेगा, अपने स्पेशली राजस्थान पुलिस और जो अपने पटवारी और जो अपने रेलवे है, रेलवे में आपके डी ग्रुप और ये एनटीपीसी दोनों के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। हालांकि एसएससी वगैरह, सीजीएल, 10+2, बैंकिंग, इनमें भी इसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लेकिन अभी अपन इनको फोकस रख के अपन देखेंगे इनके लिए बहुत ही एग्जाम। अगर आप ये टॉपिक सीख जाओगे तो आप इसे मान के चलो कि रीजनिंग पर अच्छी खासी कमांड हो जाने वाली। ठीक है दोस्तों, तो अपन बढ़ते हैं आगे कि अपने, मैं आपको जो है अपने अल्फाबेट के लेटर आपको मैं याद करा रहा हूं, आपको यहीं के यहीं आपको याद कर लेना है। ठीक है, कैसे याद कर लेना है? देखिए, आप हमें खुद थोड़ी देर बाद, जब 5 मिनट बाद आप खुद बोलोगे हाँ सर हमें तो ये सीधे सीधे याद हो गए। कैसे याद हो गए? सबसे पहले अपन स्टार्टिंग करते हैं ऐसे दोस्तों, जो ए बी सी डी है ये अपने चार ऑप्शन आते हैं, अपने को पता है ए एक पे, बी दो पे, सी तीन पे और डी चार पे। ठीक है, तो ये तो मैं याद करा नहीं रहा हूं। ठीक है, ये तो मैं याद करा नहीं रहा। ठीक है, अब अपने को मैं बताऊं दोस्तों, एक तो अपने को वर्ड याद रखना है छोटा सा, क्या? इजोटी, ई जे ओ टी वाई, इजोटी। ठीक है, ये वर्ड याद रखने का क्या फायदा होगा इसमें दोस्तों? ये 5 पर आएगा, ये 10 पर आएगा, ये 15 पर आएगा, ये 20 पर आएगा और ये 25 पर आएगा। ये 5-5 के डिफरेंस पे, किसके डिफरेंस पे? 5-5 के डिफरेंस पे, ई 5 पे, जे ओ टी और वाई। ठीक है, ये अक्सर तो अपने ऐसे कैसे याद रखना। ठीक है, अब अपना आता है, जैसे मैं आपको बात करूं कि अपने पास अगला आता है अपने, तो ई को आप ऐसे भी याद रख सकते हो, इजोटी कितने बजेगा? ई 5 बजेगा। ठीक है दोस्तों, फिर अगला देखो अपना जो एफ आता है, इसके बाद एफ आता है, एफ को अपन क्या लिख सकते हैं? फिक्स, एफ से याद रहोगे फिक्स, फिक्स का मतलब बन गया 6 और 6 का मतलब बन गया 6। वही नहीं यार, अब 2-3 बार जब इसको दिमाग में घुमाओगे इस चीज को तो अपने आप ही दिमाग में सेट हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि मेरे को याद है, अभी अपना आपको पूछा जाए, जैसे मेरे को पूछा जाए कि भाई 22, तो 22 मेरे को पता है कि 22 वीक 3, वीक का सिंबल। ठीक है,
तो आपको ऐसे कि सीधा पे सीधा आपको याद रखना है, कैसे याद रखना है, देखो धीरे धीरे यहां पर देखते जाइए, आपको चीज अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, अब क्यों फिक्स आ गया। अब अगला देखो, अगला कौन सा है, जी, कौन सा होता है जी। अब जी कितने प्रकार याद रखना है, ठीक है, तो G7 घनवास्तु 7 एक पिक्चर थी, या G7 एक समिट भी होती है, G7 एक समिट भी होती है, ठीक है, जो देशों की समिट होती है, अलग अलग जैसे मीटिंग वगैरह, समझ लो कि G7 जो देशों की मीटिंग होती है, वो समिट में उतना नहीं जाएंगे कि G7, तो याद क्या रखोगे, दिमाग में बार बार घुमाओगे दो बार कि G7 यानी कि G7 पे और F फिक्स, फिक्स तो 6, F 6 पे, दो से याद हो गया आपको, E 5 पे हो गया था अपना, H H की खुद की आकृति बता रही है कि मैं कितने पे हूं, अगर H को मैं S और S से जोड़ दूं तो कितना बनेगा 8, तो H 8। अब देखो आई, आई तो खुद कहेगा, अपन नॉर्मली क्या कहते हैं, आई नो यानी कि आई नो, मैं तुम्हें जानता हूं, तो आई नो, तो आई कितने पे, नो पे, आई कितने हो गया, नो पे, 10 अपना आई चुका है, क्या जे आ चुका है, तो अपने कौन कौन से अक्षर याद हुए अपने को, ए बी सी डी, सीधा पूछा आपको, सी 3 पे, डी 4 पे, बी 2 पे, ए 1 पे, एफ फिक्स 6, ई इजोटी वाला ई, तो 5। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपको ध्यान में बिल्कुल एक सर एकदम रटे हुए होने चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन इजी भी होगा। आई नो H8 यानी H कितने पे, 8 पे, फिर 10, तो 10 पे क्या जाएगा, J, J कितने पे, 10 पे। ठीक है, किंग्स 11 पंजाब एक आईपीएल में टीम खेलती है, किंग्स 11 पंजाब, तो किंग्स K11 किंग्स 11 यानी K11 के कितने पे, 11 पे, तो बिल्कुल सिंपल। ठीक है, अगला है अपना L, अगला क्या अपना L। अब देखिए दोस्तों, L से क्या बनता है, लव, L से क्या बनता है, लव, और लव का मतलब क्या वजनी है, बराई वजनी है, क्या बराई वजनी है। ठीक है, कि जैसे कि अगर लव करोगे तो रोजगार से कट जाओगे, इधर ध्यान लगेगा नहीं, तो क्या बच जाएगी, 12, और लव करोगे तो 12 बच जाएगा, L 12। ठीक है, M खुद कह रहा है, M को टेढ़ा कर दो, एम्ब्रॉयडरी कर दी, क्या बना, 3 बना, 13 पे, एम्ब्रॉयडरी कर दो, 3 बना, 13 पे, क्योंकि 3 पे तो नहीं था, 3 पे तो सी है, 3 पे तो क्या है, सी है। ठीक है, तो एम 13 पे, एन नेक्स्ट, एन क्या बना, नेक्स्ट, अब देखिए दोस्तों, तो एन एन नेक्स्ट, देखो एन को आप देखो ऐसे से बनाओगे बार बार, तो कितने बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ऐसे मतलब क्या है, 4 4 आगे मतलब कितने पास जाएगा ये, अपना 14 पास जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में एन के बाद में अपना क्या हो गया, ओ कितने पे, 15 पे ही, फिर उसके बाद में पी, ठीक है, पी आप सीधे सीधे बोलेंगे, पी 16, पी 16, पी 16, क्या पी 16, क्या पी 16, ठीक है भाई, पी 16, पी 16, तो क्या पी 16, क्या पी 16, तो पी 16। ठीक है, अब बताए क्यू, क्यू यानी क्वीन, क्वीन की उम्र मान ली कितनी है, 17 साल, तो राजा की कितनी होनी चाहिए, तो राजा आर कितनी होनी चाहिए, 18, तो क्वीन और राजा 17 18 साल के हैं, क्वीन और राजा 17 18 साल के, क्या दरोगे, क्यों आर 17 18, तो क्वीन 17 राजा 18। ठीक है, उसके बाद एस, ठीक है, एस शादी, क्वीन और राजा 17 18 साल के हुए और 19 साल की उम्र में क्या हो गई इनकी, शादी, एस से शादी, तो शादी 19, शादी 19। ठीक है, 20 पे आपका आ चुका है क्या, टी, फिर उसके बाद में यू और वी, यूवी क्या बनेगा, यूवी, और यूवी ने क्या कर दिया, 21 22 साल की उम्र में क्या शुरू किया, क्रिकेट खेलना शुरू किया, यूवी ने 21 22 साल की उम्र में क्या किया, क्रिकेट खेलना शुरू किया। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला कि, और आप ऐसे भी याद रख सकते हो, युवा, युवा कितने साल का होता है, 21 साल का, यू युवा 21 साल का, और वी विक्ट्री, विक्ट्री का सिंबल ऐसे ऐसे मतलब दो, विक्ट्री का सिंबल ऐसे होता है ऐसे मतलब दो, तो 2 22। उसके बाद में W, W उल्टा करोगे वापस क्या बनेगा, 3 बनेगा, अब 3 पे तो C आ गया, 13 पे कौन आ गया, M आ गया, और ये कितना आ जाएगा फिर, बचा क्या, 23 बचा। ठीक है, उसके बाद में X, ठीक है, तो X जो डीओ होता है, मान लिया 24 रुपए का होता है, तो X डीओ 24 रुपए का। ठीक है, और Y 25, Y 20, ये तो याद ही, Y 25 और Z 26, ठीक है, या फिर XYZ तीनों भी याद रख सकते हो, 24 25 26। ठीक है, तो एक बार मैं इनको आपको ऐसे तरीके से उतार देता हूं, तो आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, और फिर अपन देखते हैं इसके कि अपने को उल्टे आगे क्या चीज ध्यान में रखनी है। देखिए दोस्तों, जो याद रखने वाली चीज चीजें थी वो आपको लिख देता हूं, एक तो था अपना ई जे ओ टी वाई, इजोटी, 5 10 15 20 और 25, ई 5 पे, जे 10 पे, 15 पे, 20 पे,
25, ठीक है। फिर मैंने आपको कहा था कि ए बी सी और डी, एक दो तीन चार, ऐसे याद रखोगे। ई आ गया, ई आ गया पांच में। अब मैंने आपको कहा था छह, छह को अपन क्या लिखते हैं, सिक्स, सिक्स से क्या बनेगा फिक्स, एफ कितने बगैर छह, एफ कितने बगैर, ठीक है। फिर मैंने कहा था जी, तो जी आप याद रखोगे जैसे कि जी सेवन, जी सेवन ठीक है, समिट होती है, जी समिट होती है, जी सेवन देशों की समिट होती है, जी सेवन, जी सेवन दो बार बोलोगे याद हो जाएगा। फिर इसके बाद में एच, मैंने कहा कि एच खुद कह रहा है, यहां से जोड़ोगे तो एच एट आई नो जे आ चुका है अपने ऊपर दस, और वैसे भी आ सकते हो कि आदमी को जॉय यानी खुशी कब होती है, जब आदमी के 10 में से 10 मार्क्स आ जाते हैं, तो ऐसे भी आ सकते हो कि पूरे मार्क्स, तो जे जॉय, जॉय से 10, ठीक है। फिर उसके बाद में के, मैंने कहा था किंग्स 11, किंग्स 11, तो के 11 पे एल, मैंने कहा था एल का लव करते क्या बजेंगे, 12 बजेंगे। एम, मैंने कहा था एम को टेढ़ा करोगे क्या आएगा, 3, अब 3 पे आने से तो बचा कौन, 13, एम 13, एम 13, एन बनाऊंगा क्या दिखेगा, तो चार सा बनता हुआ दिख रहा है, चार सा बनता हुआ दिख रहा है 14। उसके बाद ओ 15, पी 16, मैंने कहा पी 16, पी 16 क्या करो ना, पी 16, तो पी 16। क्यों, मैंने कहा क्वीन, क्वीन अगर 17 साल की और राजा कितने साल का है, 18 साल का, क्यों 17 साल की और राजा कितने का, 18 साल का, ठीक है। तो एस शादी कर देंगे 19 साल, शादी कर देंगे 19 साल, क्वीन 17 साल, क्यू आर एस। तो उसके बाद में आता अपना आता है टी, तो टी हो ही चुका है अपना कितना, ऐसे भी आ सकते हो T20, T20 वेल नोन चीज, आप बार बार अपने मैच चलते हैं T20 वाले, ठीक है। अभी हाल ही में हुआ इंडिया और न्यूजीलैंड का, इंडिया जीती थी अच्छी खासी, तो T20, 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 T20। अब मैंने कहा युवा, युवा कितने साल का होता है दोस्तों, 21 साल का, युवा कितने साल का होता है 21, और विक्ट्री, विक्ट्री मिलते ही क्या होती है, विक्ट्री का सिंबल दो वाला, तो 22। उसके बाद में डब्लू, डब्लू मैंने कहा था डब्लू कितना उल्टा करोगे तो 23, एक्स कितने रुपए का, 24 रुपए का, और वाई, वाई कितने पे आता है, 25 पे है ही अपना, तो बचा कौन, जेड, जेड किस पे अपना, 26 पे, ठीक है सिंपल। तो दोस्तों अपने को सबसे पहले ये चीज यहां पर बिल्कुल कंटेस्ट कर लेनी, और मैं आपको देखो सही बात बताऊं दोस्तों कि अगर आप 3-4 बार अगर प्रैक्टिस करोगे ना, अगर आप दो वीडियो पूरे देख लोगे ना, तो ये आपको ऐसे कैसे रट जाएंगे कभी नहीं भूलोगे भाई। अपन किसी का नाम देखते बार बार बोलते थोड़ी ना, कि बार बार कि नहीं मेरे को इसका नाम याद रखना, इसका नाम रमेश, 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 ऐसे थोड़ी ना बोलते, आप बार बार रिपीट करते हो उसको, तो दूसरे दिन मिलता है, तीसरे दिन मिलता है, रिपीट करते हो रमेश, 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 नाम याद हो जाता है, दैट्स ऑल, सिंपल है भाई। आपका टारगेट ही नहीं था यहाँ, तो अपना टारगेट है ना, उस चीज अपने को फायदा ही नहीं हो रहा था, यहाँ तो फायदा हो रहा है ना, अपनी सरकारी नौकरी पक्की हो रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि उस चीज को बार बार प्रैक्टिस करनी है, 2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे, अपने 2-3 वीडियो में सुनोगे, तब तक आपको याद हो जाएगी, ठीक है। एक बार फिर से याद करता हूँ आपको, A1, B2, C3, D4, D4, E5, E5, F से फिक्स, फिक्स 6, F 6, G7, G7, H8, दिमाग में बैठ जाइए, H8, ऊपर जाओ नीचे H8, I know, J10, जो 10 में 10 को खुशी मिलेगी, K किंग्स 11, K 11, लव करेगा 12 बजेगा, L 12, M 13, N 14, N को ऐसे 14, अच्छा 4 के 14, N 14, O 15 आ गया था, फिर P 16, P 16, P 16 दो बार बोलोगे 16 जाएगा, फिर क्वीन 17 साल की, राजा 18 साल का, तो 19 साल की उम्र में शादी, तो क्यों 17, आर 18, एस 19, ठीक है। T20 मैच होता है, युवा कितने साल का होता है, युवा 21 साल का, U21, युवा कितने साल का, 21 साल का, तो U21, विक्ट्री, विक्ट्री मिलेगा सर बोलिए तो 22, W 23, एक्स कितने रुपए का, 24 रुपए का, एक्स 24, वाई 25 है, और जेड क्या अपना 26, ठीक है। होप्सो आपको याद होगी, आप एक दो बार और ऐसे बोल के, और देश को बोल बोल के, हल्का सा बोल बोल के अगर आप याद करोगे ना, तो चीज आपको अपने आप ही लर्न हो जाएगी, ठीक है। तो आप अगर बताना चाहो तो एक बार उसको नोट डाउन कर लीजिए, ताकि मैं इसके आगे वाली चीज अपन बता चुका। देखिए दोस्तों, ये अगर चीज अपने को याद हो गई, ये अगर चीज अपने को याद हो गई, तो अपने को याद रखना कि कौन सा अक्षर किसका विपरीत है,
कौन सा अक्षर इसका विपरीत है। विपरीत का मतलब अगर मान लो कि दो अल्फाबेट है, अगर दो अल्फाबेट है उनका योग कितना है 27, योग कितना 27, तो वो एक दूसरे क्या कहलाएंगे विपरीत। कैसे देखो मैं लिख रहा हूं आपको, जैसे मेरे पास दिया मैंने ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है। अब अपने को पता है कि अगर मैं लिखूंगा, देखो अपने को पता है ए कितने पे, एक पे, बी दो पे, सी तीन पे, डी चार पे, पांच पे, छह पे, सात आठ, आई नो जॉय थिंग्स इलेवन लव करोगे बारह बजेंगे एम तेरा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसका उल्टे का मतलब क्या, देखो इसका अपने पता अगर इसका एक है और इसका अपने को योग, मैंने कहा था कि उल्टा कौन सा हुआ जब इसका योग 26 हो जाए, 27 हो जाए, योग 27 कब होगा जब यहां पर क्या रखूंगा मैं 26 वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका उल्टा कौन सा एज, आपको याद रखना है आज, क्या रखना है आज, या फिर आजाद याद रखना होता है आजाद, ठीक है। यहां याद रखना है आपको इसका उल्टा आता है वाई, तो बॉय आजाद, बॉय आजाद, बॉय और आजाद बॉय होगा वो क्या लाएगा क्रैक्स लाएगा एक्स, क्या लाएगा क्रैक्स और x, एक दूसरे क्या है आजाद बॉय क्या लाएगा क्रैक्स लाएगा, फिर उसके बाद में d आजाद बॉय क्या लाएगा क्रैक्स, फिर d u ड्यू, क्रैक्स के साथ क्या चाहिए माउंटेन ड्यू चाहिए कि नहीं चाहिए, तो क्रैक्स, ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद में e e v e v लाएगा, हाँ फिर उसके बाद में डू लाएगा तो डी ई डब्ल्यू, ये सॉरी डू लाएगा तो कितना डी ई डब्ल्यू, ये होगा डब्ल्यू, ठीक है। इसे क्या हो जाएगा डब्ल्यू, ठीक है। फिर इसे क्या हो जाएगा वी ई वन, क्या हो जाएगा ई वन, इसका आप और आ जाएगा एक तरीके से याद कर लेना ई वन, ठीक है। फिर यहां पर क्या हो जाएगा यू यू फन यू फन, एफ का उल्टा लिखना आपने को फन एफ यू, ठीक है। फिर इधर आएगा क्या अपना जी, जी से याद रखना जीपी, जीपी यानी गौरव टावर, क्या रखना याद गौरव टावर, ठीक है। फिर यहां पर क्या रखना अपना एच, एच तो आप वेल नोन नाम है हनी सिंह, हनी सिंह, ठीक है। तो यहां से क्या रखना आपको हनी सिंह, यानी कि एच और एस ये एक दूसरे क्या है उल्टे, हनी सिंह। फिर ये भी वेल नोन नाम है आई आर, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, ठीक है। फिर उसके बाद में जे क्यू, जयपुर क्वीन, जयपुर क्वीन। फिर उसके बाद में अपना इसके बाद क्या हो जाएगा के, ठीक है। इसके बाद देखो यहां देखो लव, एल ओ लव, लव करेगा बारह बजे, देखो इससे आपको दो चीजें याद होती है, एल का उल्टा ओ और वी का उल्टा ई, एल का उल्टा ओ और वी का उल्टा ई, एल का उल्टा ओ और वी का उल्टा ई। P, K, P, ठीक है, K, P, फिर उसके बाद में अगला M, N, इसे याद रखना आपको मन, क्या याद रखना अपने को मन, क्या याद रखना इसमें मन, ठीक है। अब ये अपना बचा क्या K, P, K, P, कालापन, 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 कालापन कब मिलेगा, लव करोगे तो क्या मिलेगा कालापन, लव करोगे क्या मिलेगा कालापन, लव कब होता है मन मिलने का, लव कब होता है मन मिलने का, ठीक है। तो ये चीज याद रखोगे, ठीक है दोस्तों। आपको सीधा सीधा देखो मोटी मोटी कर चीजें आपको याद रह जाती है, तो आप जो छोटी वाली चीजें वो अपने आप ही कर लोगे। जैसे आपको याद रह गया कि एच का उल्टा पूछो तो आपको दिमाग सीधा आना चाहिए एच का उल्टा मतलब हनी सिंह, एच का उल्टा मतलब हनी सिंह, यानी कि उल्टा क्या है एस, और दिमाग में चलना चाहिए जी का उल्टा जी टी, सीधा क्या जी टी गौरव टावर, गौरव टावर जयपुर में फेमस है गौरव टावर, ठीक है। जी टी बार बार कहते बच्चे कहाँ चलने चलते जी टी चलते तो जी टी चलते, तो जी टी, जी का उल्टा टी, टी का उल्टा जी का उल्टा टी, टी का उल्टा जी, ठीक। फिर पूछा जाए आपको आई 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 आई, वैसे होगा नो आई नो, यानी आई की तरह नो नंबर पे, ठीक है। लेकिन उल्टा पूछे तो आई आर इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। लव एल ओ, एल ओ एल का उल्टा ओ, और लव का बोलते जब मन मिलता है मन, एम एन, एम एन, एम एन, देख लो आप चाहे इन सबका योग कितना होगा दोस्तों 27 होगा, सबका योग कितना होगा 27 होगा। जैसे मैं यहाँ पर देखो आपको युवा कितने साल का 21 साल का, 6 और 21 क्या हो गया 27, यहाँ मैं देखो आपको ड्यू कितने 23 पे और ये 4 पे तो कितने हो गए 27, क्रैक्स ये 3 पे और ये कितने पे 24 पे, तो क्या हो गया 27, ठीक है। कहीं पर उठा के देखो लव,
लव करेगा 12 बजेगा, वो कितने पे था अपना बोलो, ई जे ओ 15, 15 और 12 कितने हो गए 17, ठीक है। ये बार बार आपको इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको ये चीज याद हो जाए, ठीक है। तो याद रखना है, ए का उल्टा जेड, ए का उल्टा जेड, ये सोचिए वैसे बो बॉय, बी का उल्टा बॉय, बी का उल्टा होते दिमाग में क्या होना चाहिए बॉय, बी का उल्टा इतने दिमाग में क्या होना चाहिए बॉय, बॉय होते आपको बी का उल्टा क्या है वाई, बी का उल्टा क्या है वाई, ठीक है। तो एक बार इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन देखते हैं इस पे नेक्स्ट। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ टाइप्स ऑफ कोडिंग, ठीक है, कोडिंग के टाइप। तो कोडिंग के टाइप है, यहाँ पर वैसे टाइप मैंने आपके लिए लिखे हैं चार टाइप, कितने अपने चार, ठीक है। लेकिन जो मुख्य टाइप है वो ये दो ही टाइप है, मुख्य टाइप अपने ये दो ही है, शब्द का शब्द से कूट, शब्द का शब्द से कूट, यानी कि जो इधर वाला लाइन होगा उसके अगर पुट क्या होगा वो भी क्या होगा, दोनों शब्द होंगे, दोनों क्या होंगे शब्द होंगे। फिर शब्द का संज्ञा से पुट, इधर अल्फाबेट का लेटर होगा और इधर क्या होगी कोई संख्या होगी। अब अपने को पता लगाना है कैसे इसको इसमें कूट किया है ताकि उसको अपन मिलाते हुए आगे क्या कर सके कूट कर सके, ठीक है। फिर अगला है अपना वाक्य का वाक्य से कूट, ये जो है ये अपने ज्यादा नहीं आता, ये अपने क्या करेंगे विविध वाले में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बचेंगे वो पढ़ देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको आज के वीडियो में केवल इतना ही चीज है कि आपको अल्फाबेट पूरी याद होनी चाहिए, कौन सा अक्षर कितने पे। और देखिए दोस्तों, पढ़ने का मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि देखो पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है, कभी भी फ्री हो आप, इसका मतलब आप पढ़ लो, जैसे आप मान लो जा रहे हो, आप बस के अंदर सफर कर रहे हो, आराम से बैठे हो, तो कभी भी आप रिवाइज कर लीजिए, कोई भी टॉपिक उठा लीजिए अपनी मर्जी से कि ये टॉपिक अच्छा लग रहा है या ये टॉपिक अपने आज वीडियो में देखा था, ये टॉपिक सर ने पढ़ाया था, तो कोई भी टॉपिक आप उसको उठा लीजिए, माइंड में उसको एक बार घुमा लीजिए। अगर आप ये चीज करते हो दो तीन बार तो दोस्तों वो जो टॉपिक है वो आपका सेकेंडरी मेमोरी में चला जाएगा, जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे। भाई अपने जो कोई भी दोस्त वगैरह होता है उसका नाम एक बार आप भूलते हो क्या, अगर आप 4-5-10 बार उससे मिल लेते हो उसका नाम ले लेते हो तो कभी नहीं भूलते हो, ठीक है। कभी शुरुआत भी अगर आपसे मिलते हो साल भर 1.5 साल बाद भी तो आपको तुरंत याद रहता है, जबकि यहाँ तो अपने एग्जाम के लिए 6 महीने याद रखना है। भाई एक बार एग्जाम में आप पास हो जाओ, एग्जाम क्लियर कर लो, उसके बाद बाहर में जाए अपने कुछ याद नहीं रखना, ठीक है। लेकिन एग्जाम के लिए तो अपने को याद रखना है, तो 6 महीने। और फिर बताओ दोस्तों कि कॉन्फिडेंस आपको लूज नहीं करना है, कोई भी इतना वीक नहीं हो सकता। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे, अगर आप यहां तक पहुंचते हैं, इसका मतलब नो डाउट कि आपके पास माइंड तो है, नो डाउट, ठीक है। बस केवल जो जरूरत है वो इच्छा शक्ति की जरूरत है, किसी जरूरत है दोस्तों इच्छा शक्ति। अगर आप में इच्छा शक्ति है तो आप क्या कर रहे हो, आराम से चीज को सीख जाओगे, ठीक है। और पेशेंस रखना जरूरी है, आप धैर्य से वीडियो को देखिए, आराम से बिल्कुल धीरे करके, अगर आपको ज्यादा स्पीड लग रही है तो आप प्लेबैक स्पीड नॉर्मल से कम कर लीजिए, 0.75, 0.50 करके आप वीडियो को देखिए, आपको आराम से वीडियो में इंटरेस्ट भी आएगा और समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको समझ में आ रहा है वीडियो तो आप प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।